बोलिए प्रियंका। देखिए विजय जी, जहां जिस तरह से आज फेवर में ले रहे हैं बहन जी का कि वो मजबूती के साथ लड़ रही है, इसलिए उनका प्यार साफ झलक रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपस में एक दूसरे को कितना चाहते और कितना सपोर्ट करते हैं। हकीकत ये है कि बीच युद्ध में सीज फायर लगाकर अपने जो सेनापति है उसको वापस लेना, ये कोई मजबूरी में ही कर सकता है। और मजबूरी क्या होगी ये तो पूरे देश की जनता जानती है कि जिस तरह सीटों पर जो कैंडिडेट होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, उनको लगातार 14 सीटों पर बदलना, ये सब प्रेशर की टेक्निक है। और प्रेशर कौन डाल रहा है, किसके आगे मायावती जी नतमस्तक है, ये तो सभी को पता है। खैर, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि ये पाकिस्तान भेजने वाली जो भाषा और शैली है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बहुत आम हो चुकी है। अभी जैसे बात चल रही थी कि गर्मी ठंडी हो जाएगी और गाड़ देंगे, इस तरह की भाषा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आम भाषा है, फिर आज परहेज क्यों कर रही है? क्योंकि ये शैली तो भारतीय जनता पार्टी की है। पर फिर भी मैं कहूंगी कि जिस शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है वो चुनाव में नहीं होनी चाहिए। चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, चुनाव रोजगार पे होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए लेकिन फिर आर्थिक बीच चुनाव स्थिति क्या पे। लग रहा है आपको प्रियंका? मायावती ने इतना बड़ा फैसला अपने भतीजे को, जिनमें वो पार्टी का भविष्य देख रही थी, उन्हीं को हटा देना। देखिए, मुझे लगता है कि पूरी तरह से प्रेशर में है मायावती जी, और पूरी तरह से जिस तरह से वो बहन जी नतमस्तक है भारतीय जनता पार्टी के सामने, उसे साफ जाहिर होता है। और जिस तरह से उन्होंने गठबंधन से दूरी बनाई, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी। वो भी अपने आप में उनका डर साफ दिखता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि किस तरह से वो सपोर्ट कर रही है और किस तरह से विजय शर्मा जी यहाँ बैठकर उनका सपोर्ट कर रहे हैं। उनके कैंडिडेट किस तरह किस लिए बदले गए, वो भी उन्होंने एक्सक्यूज यहाँ पर दे दिया। तो देखिए, जनता सब जानती है, जनता इतनी भोली नहीं। आज जनता पूछ रही है कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है, जब इनके खुद के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आंकड़े, सीएमआई की बात कर रही हूँ, आंकड़े सामने आते हैं और ये बताते हैं कि सिर्फ अप्रैल मंथ में 47 लाख लोगों की जॉब चली गई, स्पेशली ग्रामीण इलाकों में। तो ये सवाल तो बनता है कि आज भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बताती? लगातार पेपर लीक होते चले जा रहे हैं। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, हजारों लाखों बच्चों के भविष्य पर जो इस तरह का खतरा मंडरा रहा है इनकी सरकार में, वो साफ दिखता है। वो साफ दिखता है कि किसानों के ठीक साथ है, इन्होंने आ रही हूँ आपके पास भी विजय जी। राजनीतिक विश्लेषक से ज्यादा मैं इन्हें ये कहूंगी कि आज जो है बहन जी की पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बहन जी की पार्टी से पूछना चाहती हूँ कि उनका जातिगत जनगणना पर स्टैंड क्या है, इस पर क्यों नहीं क्लियरिटी देती? क्या वो इसमें बीजेपी के समर्थन में साथ खड़ी हुई है? लगातार जिस तरह से आरक्षण घटता चला जा रहा है, उस आरक्षण के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलती नजर आती? अगर उनको अपने जो समाज है, जो उनको वोटर है, अगर वो फेवर नहीं करती है, तो फिर कैसे आदमी उन पर विश्वास करे, कैसे उन पर वोट करे? एक सवाल साफ खड़ा होता है, जिस तरह से लगातार अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है SC ST OBC पर, उससे कहां अपने आप को दरकिनार करती हुई कहीं चुप नजर आती है? तो पूरी राजनीति में मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ झंडा बरदारी करने से काम नहीं चलेगा, आपको उन मुद्दों पर खड़ा होना पड़ेगा। हाथरस में जब बेटी को रात में जलाया जाता है, तब कहां है, कहां थी मायावती जी? तो मैं पूछना चाहती हूँ, उन मुद्दों को कब उठाएंगी मायावती जी, जिन मुद्दों की आज दरकार है? आज लगातार सरकारी नौकरियां घटती चली जा रही हैं और आरक्षण खत्म होने की कगार पर आ चुका है, उस पर क्यों नहीं बोलती नजर ठीक है, आती?